के बाद से पाकिस्तानी अवाम बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि पाकिस्तान का मैच भारत से होने जा रहा था, मगर पाकिस्तानी शायकीन को उस पर धचका लगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले दुनिया में वाहिद मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं, क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया? नहीं, क्रिकेट को पूरी दुनिया में तमाशा हमने बना के रख दिया। तमाशा बन नहीं गया, तुम हो तमाशा। पूरी दुनिया में जो तमाशा दिखा रहा है एक ही तो देश है पाकिस्तान। ये भी ठीक है। और आपको पता है इंडियन लोग पाकिस्तान मीडिया के अंदर न्यूज देखने नहीं आते, 80% तमाशे देखने आते कि क्या तमाशा चल रहा है यहाँ। हमारी प्यारी दुलारी खीजा खान, जिसके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ इंडिया के अंदर रहते हैं, तो क्रिकेट के ऊपर एक्सपर्ट बन के आई है, तो क्यों ना इसकी एक्सपर्टी थोड़ी निकाल ली जाए ताकि आप लोगों को भी आनंद मिले और आपके भाई को भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका भाई कोई रोस्टर नहीं है, लेकिन रिप्लाई करना बनता है भाई। चलिए शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बाद से पाकिस्तानी अवाम बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि पाकिस्तान का मैच भारत से होने जा रहा था, मगर पाकिस्तानी शायकीन को उस पर धचका लगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले एक नया ये जो पिंडोरा बॉक्स है ये क्यों खुल गया, इसकी वजूहत क्या बनी? इसकी वजूहत वो है जो तुम्हारे जिहादी सोच जो तुम्हारे जहन में चलती है, इसकी वजूहत वो है। और अब बाकी की राय इनके क्रिकेट एक्सपर्ट की भी सुन लीजिए, किस तरीके से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनके दिमाग में हारने का डर इस कदर हावी हो चुका है कि इनको हारने का डर अभी से लग रहा है, तो इस डर का थोड़ा सा आप भी मजा लीजिए। पहली बात ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो भी क्रिकेट को पसंद करने वाला बंदा है कि जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है वो तो इस काबिल नहीं है कि जाके खेल, क्योंकि जो प्लेयर्स हमें नजर आते हैं उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है और इसमें कोई शक नहीं, हमें पर्चियां सब नजर आती हैं, पर्चियां भी हैं उसके अंदर कुछ। लेकिन जो लड़का आ रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं, क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया उन्होंने कुछ भी, तो देखिए अगर इंग्लैंड कंडीशन ऑस्ट्रेलिया कंडीशन होती तो मैं कहता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चले जी शोएब मलिक की जगह नहीं बनती, लेकिन यूएई के अंदर शोएब मलिक 100% जाता है। कौन है? सिर्फ रिजवान और बाबर आजम या हफीज को आप ले लो, उसके अलावा शोएब मलिक को देख लें, आजम खान को देख लें, शर्जील को देख लें, ठीक है, आसिफ अली को देख लें, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको विकेट पे रुकना ही नहीं आता, ये कहते हैं जी हर बॉल पे छक्का मारे, तो इस तरह आप T20 की क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा किसी टीवी चैनल पे, वो जो हमारा सिलेक्टर है यस मैन मोहम्मद वसीम, मैं तो उसको यस मैन बोलता हूँ, वो बेचारा क्या करे, उसको लाए इसीलिए यस मैन बन के, वो डिफेंड कर रहा है हर चीज को, उसको पता ही नहीं है मैंने बात क्या करनी है किस प्लेयर के बारे को, अब वो एवरेज छोड़ छोड़ के वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है प्लेयरों की, ना कि स्ट्राइक रेट भाई एवरेज जो अच्छी होगी तो स्ट्राइक रेट बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मिस्बा वकारिनो साहब की बात की, मिस्बा जिस टाइम आए थे मैं उस टाइम से कह रहा हूँ मिस्बा गलत आया, मिस्बा के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, पाकिस्तान टीम से निकला उसको जल्दी जल्दी दो एक दिन के अंदर कोच करवाया, कोचिंग कोर्स करवाया उसको पाकिस्तान टीम के अंदर। दुनिया में वाहिद मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इवन नेशनल हाई सेंटर के अंदर आपने पूरा इंग्लैंड नेशनलिटी भर दी है वहां पे, आपके पाकिस्तान के अंदर कोई कोचिंग कोर्स करने वाले लड़के नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लेवल 4 किया हुआ किसी ने नहीं है, कोई ऐसा हुआ है वहां पे, कहीं ऐसा हुआ है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वो निभाई जाती हूं, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जाके जिनके पास उस लीग का एक एक दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बंदा जो भी अपने क्रिकेट पे राय दे रहा था काफी काबिले तारीफ कह रहा था, पाकिस्तान के सारे परकच्चे उड़ा के रख दिए, तो इसलिए आपके भाई ने बीच के अंदर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वैसे भी वीडियो छोटा सा ही रखने वाला आपका भाई। तो आप क्या सोचते हैं इस एनालिसिस के बारे के अंदर, आप जरूर अपना कमेंट के अंदर अपनी राय दीजिए। मगर क्यों आपका भाई छोटे मोटे फनी वीडियो बनाता रहता है, रोस्टिंग वीडियो, न्यूज वीडियो, पाकिस्तान मीडिया वीडियो, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अला बला सला तंत्र मंत्र टोने टोटके जो कर सकते हो आप कर लीजिए। लेकिन कुछ कीजिए जरूर, शेयर भी कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। इसकी वजह बहन जो देखते उर्दू नहीं आती है।